नाजरन कराम अकम वरम् व सूर्य यूसुफ़ की तफसीर पर सिलसिले क़लाम जारी है हम यहाँ तक पहुँचे कि अदीज़ मिस्र की बीवी ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दिल से अपना बेटा मानने के बजाय उसने उनसे अपनी ख्वाहिश नफसानी की तकमील करानी चाहिए और एक दिन मौका पाकर उसने क्या हरकत की अल्लाह तबारक तआला ने उसका जिक्र इस तरह फरमाया फी बी सबसे पहले तो अजीज मिस्र की बीवी ने मुरावदा किया नाजरीन नहीं कि मुरावदा किसको बोलते हैं अरबी में कहते हैं बजुलजहूदी मदा फी सबील तहकीक गरज मुफसिद या इसी तरीके से फ़ी सबील तहकी किसी मकसद की तकमील की राह में अपनी सी कोशिश कर डालना कोशिश की इंतहा कर देना मुरावदा कहलाता है तो पहले उसने जबानी तौर पर यूसुफ़ को बहलाया फुसलाया तरह तरह की तरगीबा दी जिसको अल्लाह तबारक वाली ने लफ्ज़ मुरावदा से जाहिर फरमाया है कि मुरावदा जब कहते हैं किसी चीज के हसूल की राह में हर मुमकिन कोशिश कर डालना तो बताइए कि उसने हजरत यूसुफ्लाम को गुनाह पर आमादा करने के लिए क्या क्या जबानी हरबे न इस्तेमाल किए होंगे किस किस तरीके से आपको न बहलाया होगा किस किस तरीके से आपको न फसलाया होगा ये तो उसकी एक हरकत थी जिसको कुरान हकीम ने मुरावदा से जाहिर फरमाया और दूसरी हरकत उसने फेली की कई कमरों के अंदर ले गई और हर कमरे का दरवाजा उसने बंद कर दिया वतिल अब आबा और उसने तमाम कमरों के दरवाजे बंद कर दिए और उसके बाद वकालत हई तलत अब उसने ज़बान से उस गुनाह पर आमादा करने की कोशिश की और ये कलाम शरीह है मुरावदा के अंदर तो इशारे पाए जाते थे लेकिन हई के अंदर गुनाह पर आमादा करने की खुली दावत थी और हई तलक की तरकीब से ये बात मालूम होती है कि मुरावदा के अंदर इशारे थे दाएं बाएं और ऐसे इशारे जो गुनाह की तरफ इशारा करते हूं, उसके बाद उसने कलाम शरीह से सराहतन गुनाह करने की दावत दी और अल्लाह तबारक तौल को हई की तरकीब से वाज यानी पहले तो उसने इशारे किनाए से गुनाह पर आमादा करना चाहा और उसके बाद उसने कलाम शरीह इस्तेमाल किया ताकि वह गुनाह पर आमादा हो जाए और उसके बाद उसने अपनी हरकत से फेली दावत भी दी और फेली दावत का अंदाज ये था कि उसने तमाम कमरों के दरवाजे बंद कर दिए यानी इसमें गुनाह पर आमादा करने के लिए उसने इशारे भी किए और गुनाह की तरफ बुलाने के लिए उसकी सराहत भी की और फेल भी किया कि तमाम दरवाजे बंद कर दिए नाजरी ने ये इस तरीके का मौका था कि अच्छे अच्छे नेकोकार अगर अल्लाह की तोफी उनके शामिल हाल ना हो तो अपनी नेकी और बड़े बड़े मुत्तकी जिन्हें अपने तकवा के ऊपर बड़ा नाज होता है अपना तकवा और अपनी नेकी ताक के ऊपर रख देते और यह गुनाह कर बैठते गुनाह से बाज ना आते लेकिन हजरत सलाम ने उसके इस मुरावदा के ऊपर गुनाह पर आमादा करने के जवाब में सबसे पहला जुमला जुमलायाद अल्ला। मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ नादरी कराम इस जुमले के अंदर कि मैं पनाह चाहता हूं दर हकीकत उसकी इस दावत का खुला इनकार था कि मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकता बताइए गुनाह करने का मुकम्मल मौका मौजूद था कोई खौफ भी नहीं था बल्कि इस गुनाह पर आमादा करने वाली के घर में यह गुनाह होता दुनिया का कोई शख्स देखता भी नहीं लेकिन इसके बावजूद हजरत यूसुफ सलाम ने साफ इनकार फरमा दिया मादल्ला कहकर के मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं इसमें खुला इनकार था कि मैं तेरी यह दावत कबूल नहीं कर सकता अल्लाह तबारक ने अपने रसूल के जरिए इस तरीके के अखलाक वालों के बारे में

और हर आदमी मैदान हशर की गर्मी से इंतहाई परेशान होगा और गर्मी के आलम में आदमी को साय की जरूरत होती है और मैदान हशर में सिर्फ एक ही साया होगा वो अल्लाह का साया होगा और इस सय के अंदर अल्लाह तबारक वाल सात आदमियों को जगह देगा नबी करीम सल्लाम ने एक ही बात दी करे उन सात आदमियों की सिफात बयान फरमाई कि कौन से ऐसे लोग होंगे जो अल्लाह तबारक व वाल के सय में जगह पाएंगे और क्यामत के दिन उन्हें मैदान हशर की गर्मी से नजात मिलेगी उनमें पहला शख्स अल इमाम इंसाफ करने वाला इमाम इंसाफ करने वाला हाकिम और दूसरे वो नौजवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी हो और तीसरा वो शख्स जो मस्जिद से निकला मगर उसका दिल मस्जिद ही में लटका हुआ है चौथे वो लोग जिन्होंने आपस में एक दूसरे से मोहब्बत की अल्लाह के लिए नफरत की अल्लाह के लिए और पांचवा वो शख्स जिसको किसी खूबसूरत औरत और मालदार औरत ने गुनाह पर उकसाया और गुनाह करने की दावत दी लेकिन उसने यह कह दिया मैं अल्लाह से डरता हूँ तो ऐसे शख्स को भी अल्लाह तबारक वाला मैदान हशर में अपने सय में जगह देगा छठा वो शख्स जिसने अपने दाहिने हाथ से सदका किया नाजरीन कराम सदका जब आदमी देने लगे तो उसको दाहिने हाथ से सदका देना चाहिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आदमी भी अल्लाह के साय में आएगा जिस आदमी ने दाहिने हाथ से सत्ता किया और इस तरह छुपा कर किया कि बाएं हाथ को खबर न हुई यानी पूरे अखलास के साथ सिर्फ अल्लाह को खुश करना मकसद था इस गरज से उसने अल्लाह की राह में सदका दिया वो आदमी भी अल्लाह के साय में जगह पाएगा और सातवां वो आदमी जो तनहाई में हुआ और वो मौत की सख्ती कब्र के आदाब कब्र के सवाल जवाब मैदान हशर की गर्मी अल्लाह के हजूर खड़े होने का एहसास बुलसरात पर चलने का तस्वर अदाब दोजक की हौल ना की इनमें से किसी भी चीज को याद करके तन्हाई में वो रो पड़ा और उसकी आंखें बह पड़ी नादरी निकराम ऐसा आदमी भी वो खुश नसीब होगा जिसे अल्लाह तबारक वाली का साया मैदान हशर में नसीब होगा इस हदीस के अंदर जिन सात आदमियों का तस्करा किया गया है जिन्हें अल्लाह का साया मैदान हशर में मिलेगा उनमें वो शख्स भी होगा जिसको किसी मालदार और खूबसूरत औरत ने गुनाह करने के लिए आमादा किया और उसने साफ इनकार कर दिया यह कह करके मैं यह गुनाह नहीं कर सकता इसलिए कि मैं अल्लाह तबारक तआला से डरता हूं हजरत यूसुफ अलैहि यूसुला खुश नसीबों में से होंगे जिनको अल्लाह तबारक तआला मैदान हश्र में अपने में जगा देगा इसलिए कि उन्होंने अजीज मिस्र की दावत गुनाह के ऊपर साफ अपना इनकार वाजे कर दिया और उसके लिए जुमला इशात फरमाया मादल्ला मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं इस जुमले के अंदर जुलेखा की तरफ से जो दावत गुनाह थी उसका साफ इनकार था नादरी ने कराम एक और बात यहां ठहर कर जान ले कि जहां नौजवान अपनी नेकी और तकवा सब भूल जाए ऐसे माहौल के अंदर हजरत यूसुफ अली सलाम ये तकवा पर कैसे कायम रहे नेकी के ऊपर कैसे कायम रहे उनका कदम क्यों नहीं फिसला और वो गुनाह में मुलवस क्यों नहीं हुए दावत गुनाह पर उन्होंने लबे क्यों नहीं कहा नाजरी ने किराम हमें ये बात मालूम होती है कि चूंकि हजरत यूसुफ के बाप नबी थे उनकी वालिदा भी बड़ी नेक थी और इन्होंने हजरत यूसुफ की जो तरबियत की थी बचपन में और इसी तरबियत का नतीजा था कि उन्होंने इस गुनाह से साफ इनकार कर दिया जबकि मिस्र का पूरा माहौल और पूरा माशरा गैर दीनी था और हजरत यूसुफ जैसे नौजवान अनका थे हजरत सलाम की तरबियत उनके माँ बाप ने इस तरीके से की थी कि वो इस दावत गुनाह पर लब्बैक कहने के बजाय साफ इनकार कर देते हैं आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों की दीनी तरबियत करें अखलाकी तरबियत करें इसलिए कि नौजवान ही कौम का मुस्तबिल होते हैं नौजवान ही कौम का फ्यूचर होते हैं और फ्यूचर उस वक्त बना सकते हैं किसी कौम का जब ऐसे नौजवान हों जिनकी तरबियत बचपन में दीनी खतूत के ऊपर हुई हो हु। और सही तरीके से उनकी तरबियत की गई हो नादरन इकराम यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का इन शाह जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं नाजरीन इकराम असलमकुम वरह वूर्यसुफ़ की तफसीर पर सिलसिला कलाम जारी है हम ये कह रहे थे कि हज़रत यूसुफ यूसुसम ने जुलेखा की दावत गुनाह को रद्द इस वजह से किया कि उनके माँ बाप ने उनकी सही तरबियत फरमाई थी दीनी तरबियत फरमाई थी आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों की दीनी तरबियत करें अखलाक तरबियत करें इसलिए कि नौजवान ही कौम का मुस्तकबिल होते हैं नौजवान ही कौम का फ्यूचर होते हैं और फ्यूचर उस वक्त बना सकते हैं किसी कौम का जब ऐसे नौजवान हों जिनकी तरबियत बचपन में दीनी खतूत के ऊपर हुई हो और सही तरीके से उनकी तरबियत की गई हो आज माशरे में तरह तरह की जो बातें आती हैं और हम सुनते रहते हैं कि फ़ला जगह यह हादसा हुआ फला जगह यह हादसा हुआ और फला नौजवान गुनाह के इस काम में मुल्स पाया गया उसको इस तरीके से पकड़ा गया कानून ने उसको ये सजा दी ये जो आए दिन हमें खबरें मिलती रहती हैं दर हकीकत ये वो नौजवान होते हैं जिनके माँ बाप ने बचपन में उनकी तरबियत दीनी खतूत के ऊपर नहीं की हुई होती है तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों की दीनी खतूत के ऊपर तरबियत करें जैसे हज़रत याकू वल और उनकी बीवी हजरत यसुसम के वाले ने उनकी दीनी तरबियत फरमाई थी तो माजल्ला कहकर के करके उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं यह गुनाह नहीं कर सकता उसके बाद दूसरा जुमला उन्होंने रब्बी वो मेरा आका है मैं उसके घर में रह रहा हूं दो बातें फरमाई हजरत यूसुफ सलाम ने यहां कोई दीनी दलील नहीं दी बल्कि इस मकाम पर उन्होंने एक अकली दलील पेश की इसलिए कि जब आदमी के ऊपर जिंस का भूत सवार हो तो उस वक्त दीनी दलाइल उसको अपील नहीं करते उसके सामने उस वक्त अकली दलील पेश करना जरूरी होता है हजरत यूसुफ सलाम ने एक अकली दलील पेश की कहू रबी मैं ये काम इस वजह से नहीं कर सकता इसलिए कि इस घर में रखने वाला तेरा शौहर है और वो मेरा आका है और नौकर को यह हक नहीं पहुंचता गुलाम को यह हक नहीं पहुंचता कि वो मालिक की अमानत में खयानत करे और तेरे साथ गुनाह में मुलव्वस होना दर हकीकत मालिक की अमानत में खयानत करने के मुरादिफ होगा इस वजह से मैं ये काम नहीं कर सकता हजरत अलैहि सलाम ने यह अकली दलील औरत के सामने पेश की और अजीद मिस्र के एहसान का बदला अगर हजरत यूसुफ बुराई से देते तो भलाई का बदला बुराई से देना अकलन कभी है इस वजह से हजरत सलाम ने उसकी दावत गुनाह के ऊपर लब्बैक नहीं कहा इसी तरीके से जेना का सुदूर यह दर हकीकत एक लज्जत कलीला होती और यह दावत लज्जत कलीला की तरफ दावत थी और इसके बदले में दुनिया की भी रसवाई मिलती और आखरत की रसवाई जो मिलती वो मिलती ही नाजरीन कराम एक, एक अक्लमंद आदमी लज्जत कलीला थोड़ी सी लज्जत की खातिर समाज की रसवाई समाज की बदनामी और आखिरत की अबदी सजा को कतान कबूल नहीं कर सकता क्योंकि लज्जत कलीला थोड़ी सी लज्जत के खातिर समाज की रसवाई और अबदी सजा कबूल करना यह अकल के भी खिलाफ है इस वजह से हजरत यूसूल ने जुलेखा की बात नहीं मानी यानी थोड़ी सी लज्जत के लिए जर्र अजीम इख्तियार करना दर हकीकत तकाजा अकल के खिलाफ है और अहसना मसवाए जो कहा इन नहूरबी के बाद कि वो मेरा आका है मैं उसका गुलाम हूँ गुलाम को यह हक नहीं पहुँचता कि अपने आका की अमानत में ख्यानत करे उसके बाद का जुमला अहसना मसवाए उसने मेरा ठिकाना अच्छा बनाया है यह कह कहकर के औरत के ज़मीर को जगाना मकसूद था कि अपने शौहर की वसीयत की हिफाजत करे इसलिए कि जब अदीद मिस्र हजरत यूसुफ अलीसम को खरीद करके लाया था तो अपनी बीवी के हवाले करते हुए उसने अपनी बीवी से यही कहा था कि इस बच्चे को अपने पास रख और अक्रीमी मसवा इसको अच्छी तरीके से रख यानी इसके साथ कोई बुरा सलूक मत करना और इस वक्त जिस काम की तरफ ये दावत दे रही थी दर हकीकत वो काम सही नहीं था गोया अहसना मसवाए कह करके हजरत यूसुफ अलीसम ने दीज मिस्र की बीवी को उसके शौहर की वसीयत याद दिलाई कि वो अपने शौहर की वसीयत की हिफाजत करे नादरीन कराम यहाँ एक नुकता और मलहूज रहे कि शौहर अगर अपनी बीवी से कोई बात कह दे और वो शरीयत के खिलाफ ना हो तो शौहर की इत करना उस मामले में औरत के ऊपर वाजिब हो जाता है और यहाँ तो अदीज़ मिस्र ने अपनी बीवी को बाकायदा अम्र का सेगा इस्तेमाल करके ताकीद की दी कि अक्रीमी मसवा इसी वजह से हजरत यूसुली सलाम ने अहसना मसवाए कहा ताकि इस औरत का ज़मीर जाग जाए और अपने शौहर की वसीयत को याद करे और उसकी हिफाजत करने की कोशिश करे उसके बाद आखिरी जुमला जो हजरत यूसुलीसम ने इस्तेमाल फरमाया वो है हैल्लाह तबारक ालिम को कामयाब नहीं करता यहां हजरत यूसुली सलाम ने जुल्म का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल फरमाया नाजरीन कराम जुल्म कहते हैं किसी शय को उसके गैर महल में रखना वजू शे फैर महल ही किसी शय को ऐसी जगह में रखना जहां उसका रखना मुनासिब ना हो जैसे टोपी सर के ऊपर रखना ये टोपी का महल है अब कोई आदमी टोपी सर पर ना रखने के बजाय पैरों में टोपी डाल ले तो यह वजू शे फैर महल नहीं होगा हजरत यूसुफ ने यहां जुल्म का हवाला जो दिया और लफ्ज़ ज़ालिम जो इस्तेमाल लफ्ज़ फरमा जो इस्तेमाल फरमाया उसकी वजह ये थी कि ये औरत अपने शोहर की अमानत है और जिस चीज की तरफ ये दावत दे रही है वो सिर्फ उसके शोहर का हक है अगर मैं वो काम करता हूँ तो दर हकीकत अमानत में खयानत होगी और अमानत में खयानत करना दरहत एक हजरत यूसुलाम ने यह आखिरी जुमला इस्तेमाल फराम ये एक किस्म का जुलम है और अल्लाह तबारा ाल कभी कामयाब नहीं होने देता नाजरीन कराम यहाँ ठहर कर एक नुकता और जान ले कि आज जुल्म की मुख्त किस्में हम शरे में देखते हैं समाज के अंदर देखते हैं मुल्क के अंदर देखते हैं और ये भी देखते हैं कि जुल्म हो रहा है लेकिन उस जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाती और जुल्म के आवाज जाती है तो बहुत वीक होती है बहुत कमजोर होती है और इस आवाज को पूरी ताकत के साथ दबा दिया जाता है और जारी में समझता है कि मैं जुल्म के खिलाफ उठाई हुई आवाज को दबा दूंगा अपने कदमों तले रौद दूंगा और मैं कामयाब हो जाऊंगा ऐसे लोगों को